तो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं सीधा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ जंगल से। तो आप देखो यार मेरे पीछे कितना खूबसूरत जंगल है। और मैं और शिव आज जा रहे हैं गिरिडीह धनबाद से, तो कुछ काम है अपना, उधर का भी काम भी हो जाएगा, आज का ब्लॉग भी बनेगा आपको गिरिडीह और धनबाद का ब्लॉग, तो मजा आएगा देख करके यार। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher। तो गाइस देखो यार कितना घना जंगल है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये जंगल देखने में, सब तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़, ये देख लो। तो गाइस अभी जंगल का मुआयना कर रहे हैं हम लोग। जो जगह है ये है पिकनिक के लिए, एकदम जबरदस्त जगह है। अगर जब पिकनिक मनाया जाए ना मजा आ जाएगा, एकदम चटाई वटाई बिछाओ, चूल्हे लगाओ, खाना बनाओ, पकाओ, यहीं खाओ, यहीं मस्ती करो, फिर घर जाओ दबा के खाओ। काफी खूबसूरत है यार जंगल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस जंगल से अब निकल रहे हैं हम लोग, अभी गिरते गिरते बचे हम लोग, अब आ गए हाईवे पे। ये लगी अपनी छोटी सी सवारी मस्त, फिर निकलेंगे गिरिडीह की ओर, सीधा गिरिडीह। तो गाइस अभी अपना खुशबू बना के दी थी हमको निकलने टाइम, इसको बोलते हैं पिट्ठा। एक दाल पिट्ठा होता है, एक एक आलू पिटक। तुम्हारा कौन था, दाल वाला क्या? दाल वाला, ये आलू वाला है। उसको फ्राई करके दिया, लाजवाब। मेरा टेस्ट सॉलिड। गाय एक्सीडेंट हो गया यार यहाँ पे, हेवी वाला। गाइस हेवी वाला एक्सीडेंट हो गया यार। तो गाइज अभी बहुत ही बुरा मंजर रहा यार, अभी एक बाइक वाला मतलब ओवरलोड था उसका, दोनों तरफ डीजल लोड था उसका, टंकी बड़ा बड़ा रखा बाइक वाला का, बाइक वाले का, और एक गाड़ी से आके टकराया चलती हुई गाड़ी से। तो गाइज गिरिडीह आए हुए हम लोगों को 2 घंटा हो गया है और अभी इतनी जोर की भूख लगी है, हम दोनों मिलकर सिर्फ होटल ढूंढ रहे हैं और एक भी ढंग का होटल नहीं मिल रहा है जहाँ पे खाना खाए हम लोग। मतलब अपने को चाहिए नॉर्मल बढ़िया ढाबा जहाँ पे अच्छे से खाना खा पाए। यहाँ पे सिर्फ वही रोल मोमो वगैरह वगैरह मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। एक तो आइडिया भी नहीं कहाँ जाना नहीं जाना है, जब से मनुष आदमी के साथ घूम रहे हैं ना खाना नहीं नसीब हो रहा है भाई। गाइस फिलहाल अभी हम लोग हैं गिरिडीह के बस स्टैंड पे और ढूंढ रहे हैं होटल यार, अभी तक खाना का होटल अच्छा नहीं मिला है। तो बस स्टैंड में उम्मीद है कि यहाँ तो मिल जाना चाहिए अच्छा होटल, खाएंगे पेट भर के यार, भूख से जान जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, चक्कर खा रहे हैं। जो सुबह में जो खुशबू दी थी ना पिट्ठा, वही हम लोग खाए एक पीस। गाइस ये रहा अपना होटल। तो भाई खा के तो निकले, अब जाके जान में जान आया, खाना बहुत अच्छा था और खाना तो बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। 60 रुपए की थाली थी, भर भर के दिया भाई, जो खाना खाओ। 120 मतलब एक्स्ट्रा लगा। देखते हैं गिरिडीह में जो आसपास घूमने का जगह हो वहाँ घूमेंगे हम लोग, अभी काम कर लिए बहुत, अब घूमा जाए। तो गाइज आफ्टर खाना पीना और काम के बाद अब आया टाइम घूमने का। तो घूमने के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया है गिरिडीह में घूमने का एक जगह है खंडोली वाटरफॉल। और वाटरफॉल है कि वहाँ पे वो क्या है, वाटर नहीं, तुम बताया था ना वो क्या है, घूमने के लिए नाव पॉन्ड है या जो होता है ना डैम है, डैम डैम डैम, जाने के बाद पता चलेगा खंडोली डैम है या वाटर फॉल है क्या है। ब्रिज तो कहाँ चला, पता नहीं कहाँ चला, चलो देखते हैं अभी कैसा है वो। तो गाइस एक जगह रुके, अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत व्यू था, सोचे कि यहाँ उतर के थोड़ा सा यहाँ का जो व्यू है उसको शूट कर लेते हैं। मस्त वाला पीछे का जो व्यू है ना बहुत ही प्यारा है, इस व्यू की वजह से लग रहा है कि खंडोली का व्यू भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं खंडोली, वहाँ का व्यू रिकॉर्ड करते हैं। और ये रहा हमारा टिकट। तो गाइस ये है खंडोली का पहाड़, काफी भीड़ तो काफी ज्यादा लगा हुआ है यार। गाइस लोग यहाँ ना फुल फैमिली आते हैं, तो पिकनिक बनाते हैं यहीं पे, खाना बनना यहीं पे खाना, ये देखो हम लोग तो खा रहे हैं।
खा लिए तो कार्यक्रम चालू है गाइस। हम लोग तो खा लिए नहीं तो घुस के खा लेते। हम लोग खाना खा के आए ना तो हम लोग भी बैठ के खा ही लेते ना। पक्का यहाँ पे भी खाना पड़ता हम लोग तो बैठ करके। तो गाइस यहाँ बोटिंग भी हो रहा है। रुक जा, एक सेकंड। सबसे बड़ा घोड़ा यही है, इससे बड़ा घोड़ा ये चढ़ा हुआ। इसे टेम्पो का दरकार पड़ रहा है घोड़े से उतरने के लिए। तो अपना बताइए एक्सपीरियंस कैसा लगा भाई? मजा नहीं आया। तो गाइस पार का रास्ता मिल गया, प्लस घोड़े की सवारी भी किया, मगर मजा नहीं आया क्योंकि वो दौड़ा नहीं रहा था ना, सिर्फ चल चल के जा रहे थे। और जब मुंबई में रहते थे ना तो मस्त दौड़ाते थे, एकदम खुला फुल पूरे के पूरे बीच में जबरदस्त दौड़ता था मेरा घोड़ा। ये बेचारा डर से नहीं दे रहा था, बोला भैया गिर जाइएगा। और गिरने पॉसिबिलिटी भी था क्योंकि जुगाड़ू था, बैठने वाला भी और चढ़ने उतरने वाला भी जुगाड़ू था। प्रॉपर जो उसका घोड़ा का सीट होता है ना उसको ज्यादा नहीं था इस लोग। तो गाइस और पास तो मिल गया। तो गाइस ये टिकट का यूज अभी होने वाला है। तो काटने वाले भैया है, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कमल हुआ। कमल अमल रहे। तो भाई 14 रुपए का यूज हम लोग कर ले रहे हैं, अभी घुसते हैं पार्क में। देखिए ना कितना बड़ा पार्क है नीलेश भाई के लिए। अच्छा कुछ बोलना है? और क्या बोले, वर्डलेस हो गए हो? सबका वही हाल है भाई, कैमरा जैसे मुँह के पास गया ना तो मुँह से बोल ही नहीं निकलता है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना मुझे निकलता ही नहीं है। अपने से फोटो लोगे तो गधा हो जाओगे। अभी लास्ट वाला जो फ्रेम में, लास्ट वाला फ्रेम में जो सिप का लिया था वो पैसे वाला था, फ्री में ले लिया। फ्री में ले लिया। गाइस 14 रुपये वसूल हो गया। काफ़ी अच्छा अच्छा जगह है बनाया हुआ, ठीक है बढ़िया है। अगर फैमिली आती तो उनको अच्छा लगेगा। आपन दोनों तो बेले आए, क्या लगना है? अपन बेले आए, क्या लगना है? जो लगना है तो लग रहा है, और क्या। तो गाइस जितना हम लोगों को टाइम स्पेंड करना था पार्क में हम लोगों ने किया, और वापस जाना भी है क्योंकि तो काफी टाइम हो गया है। कुल पैसा वसूल, पैसा वसूल है, सही है। ज़्यादा तो लिया है, 14 रुपये करके लिया पर हेड पर है। चीज़ें बहुत सारी हैं, आप विजिट कर सकते हो। फैमिली के साथ आना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग जैसे वेले आओगे तो मज़ा आने से रहा, तो उधर ही कहीं बोटिंग वोटिंग करने में फायदा रहेगा। बोटिंग नहीं कर पाए, बहुत टाइम लगेगा, बहुत भीड़ है वहाँ पे। तो भाई 4:15 हो गया है और हम लोगों को जाने में कम से कम 3 घंटा लगेगा, तो 7:30 तो बजनी बना है। और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा वो है, घाटी वाटी वाला है, तो फिर हम लोग को निकलना ही सही रहेगा अभी, है ना। 3 घंटे पे घर। तो गाइस घर रिटर्न ही हुए थे कि हम लोगों को रास्ते में क्या मिला, देखोगे खतरनाक वाली चीज़, कुल्लड़ वाली चाय। भैया दो पिलाओ, पियो, मुंह जलाओ। भैया आ गया यार। तो गाइज अब खंडोली से रिटर्न हो रहे हैं। छोटा सा डैम है यहाँ वाटर का, उसके इर्द गिर्द जो जगह है तालाब के किनारे उस पे लोग आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, मस्त और मज़ेदार है। अभी आपको एक घोड़ा का स्टंट दिखाएंगे, बहुत दकड़ा वाला। ओ भाई ट्राई कर रहा है भाई, कर, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं उठा रहा, अभी उठा रहा, अभी तो उठा था। एक नंबर। तो गाइज अब चला जाए घर की ओर, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो गाइस अभी गिरिडीह से निकले हुए आधा रास्ता पूरा हो गया, ट्राई करूंगा थोड़ा जल्दी जाने का। मगर जिस समय आ रहा था ना उस समय जो एक्सीडेंट देखा ना उसके बाद से तो दिल्ली दहल गया यार। एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, स्पीड चलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने चावल इतना दबा के खाया ना, खाना तो बहुत ही टेस्टी था। क्वान्टिटी और क्वालिटी सच में इसने कहा, क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों बेस्ट था। तो दबा के तो खाया यार,
लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, चावल खाने में जो नींद वाला फीलिंग आता है अभी आ रहा है, नींद नींद सा, तो सो तो सकते नहीं है। सोच रहे रास्ते में कहीं मिल के कुल्हड़ वाली चाय। बस भाई अगर रास्ते में मिल गया ना कुल्हड़ वाली चाय, नींद भी भागेगा और चाय का तो अपना अलग ही मजा है। तो गई जो अपना शिव है ना, इसके पास एक हिडन टैलेंट है, इसकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त है ना, मतलब वो इंग्लिश तभी कोई समझ सकता है जिसको हाई लेवल वाली इंग्लिश आती हो, जिसको नहीं आता वो इसका वो चीज़ समझ नहीं सकता है। अभी इसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है इंग्लिश में, अभी ये बोलेगा कि हम लोग जब ऑनलाइन गेम खेलते थे ना तो ये वाला डायलॉग उसका पेटेंट हुआ करता था और हम लोग बहुत हंसते थे स्मोक कॉल बनाने में। तो अभी बताएगा ये पता और स्मोक कॉल बनाने के लिए जब ये लोग नोक होता था ना तो उस पर एक बनाता था कि स्मोक होल बना, तो उसको हम बोलते थे कि इंडियन प्रेसेस वेट सो एक्साइटेड इन द प्लेस बिकॉज द कॉल नॉट अंडरस्टैंड द इल पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया भाई? समझ में आया तो लाइक करें, अगर समझ में आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, नहीं तो कमेंट लेकिन जरूर करना कि क्या क्या समझे हो, जो इसकी इंग्लिश समझ गए हो ना वो कमेंट जरूर करना कि क्या बोला ये अभी। एक बार फिर से मैं सुनाता हूँ रिपीट मार के, इंडियन प्रोसेस वेट शुड सेट इट इन द प्लेस बिकॉज़ द कॉल नॉट अंडरस्टैंड द इल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई पालने नहीं पड़ा मेरा तो, लास्ट वाला ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ही समझ में आया मेरे को। भाई सब लोग कमेंट करो जो इसका इंग्लिश समझ गया, अब किसी का भी कमेंट में ना मोए 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 नहीं आना चाहिए। भाई कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। तो भाई ढाबा में रुके हैं चाय के लिए, कुल्हड़ वाला तो नहीं मिला पर नॉर्मल मिला, जो है उसी से काम चलाएंगे फिलहाल। भाई ये मंदिर देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार ये मंदिर। तो गाइस मस्त अभी शिव ने ना चाय का जुगाड़ किया है, ठीक है टेस्ट, लेकिन कुल्हड़ वाला का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल इसी को पियेंगे, नींद भगाएंगे और फिलहाल हम लोग गाड़ी भगाएंगे, फिर गाड़ी भगाएंगे। फिलहाल तो अभी इसी का जुगाड़ है, मिल नहीं रहा था कुल्हड़ वाला, हर जगह मिलता नहीं है। तो भाई हम लोग अब धनबाद घुस गए, तो भाई अब आ गए पुटकी, अब छोड़ेंगे शिव को, ये अपना घर जाएगा, अब मैं भी जाऊंगा अपने घर। तो काफी इंजॉय किया यार हम दोनों साथ मिल करके, काफी मजा आया। इसका जो इंग्लिश वाला जो डायलॉग था ना वो उसको बोलना नहीं है, ट्राई करना आप लोग भी कि वो बोल पाते हो कि नहीं, बहुत तगड़ा था। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, एक बार भी नहीं बोल पाया भाई, बस लास्ट वाला ही थोड़ा था बोल पाया। तो चल से बाय, मिलते हैं फिर, ठीक है चल बाय, गुड नाइट, चलते गुड नाइट। तो भाई शिव तो गया अपने घर, मैं भी चला अपने घर। तो भाई बस अब मैं पहुंच ही गया हूँ बुकारो, फटाफट घर जाते हैं यार, अब रेस्ट किया जाए। तो गाइस आ गया हूँ घर पे, पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। और इस वीडियो को गाइस मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।